वीडियो एग्जाम का जो पेपर था कल, उसके 160 क्वेश्चन का सटीक रूप से अपने सॉल्यूशन किया। सभी अपने आंसर चेक कर लेना। और अगर बात रही कि मेरिट कितनी जा सकती है, इसमें अपन बात करें तो वैसे अनुमान है ये 2-4 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है। और अपन बात करें कि अगर किसी के 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल कैंडिडेट के, जनरल ओबीसी दोनों के 110 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो श्योर नंबर आने की मतलब चांस होते हैं। ठीक है, श्योर नंबर आ जाएगा। 110 क्वेश्चन राइट है, एक क्वेश्चन है, 1 10 मतलब 2 5 यानी 1.25 का नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 160 क्वेश्चन थे और नंबर थे 200, 200 नंबर के, यानी 1.25 का क्वेश्चन है एक। तो इसे अपन अगर गुणा कर लेते हैं तो कितने नंबर आते हैं वो कर सकते हैं सीधे। अपन देखिए 110 से अपन एक ये 1.25 से गुणा करें तो सीधा ये हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, 25 से इसका चौथा हिस्सा कितना होता है तो हाँ कितना, 25, 25 और 27, 27.5। ठीक है, और 27.5 और ये 10 हो गए 137.5, 137 ये नंबर, 137 के आसपास नंबर बन रहे हैं 200 में से। तो जनरल अगर कैंडिडेट है तो उसका श्योर नंबर आएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अनुसार कहें तो 110 क्वेश्चन। ठीक है, और ओबीसी लग ओबीसी का भी लगभग वही रहता है, जनरल ओबीसी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एक दो नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। बाकी 110 नंबर मैन, ये 110 क्वेश्चन ये आप मान सकते हैं, ओबीसी 109 मान सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में मेरिट कम रहने की संभावना है। ठीक है, फीमेल की अगर मेरिट की बात करें तो जिसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100 102 लगभग क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल फीमेल, उसमें श्योर नंबर आएगा फीमेल में। ठीक है, 100 105 आसपास, ठीक है, नंबर आ जाएगा फीमेल में। और पुरुष में है कितना तो 110। ठीक है, जनरल के लिए ओबीसी एक दो क्वेश्चन कम मान सकते हैं। एससी और एसटी के लिए पुरुष में अगर बात करें तो लगभग 95 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, लगभग 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 95 100 के आसपास हो रहे हैं, उसमें नंबर आने की पूरे चांस है। ठीक है, और मेन क्राइटेरिया ये ऊपर का है, यानी जनरल के लिए माने तो 110 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं जनरल और ओबीसी पुरुष के लिए, तो श्योर है वो आपका नंबर क्लियर आ जाएगा। ठीक है,